everyone and welcome back to my channel. So today's video is going to be about Amazon. So Amazon से मैंने कुछ outfits pick किए हैं जो कि you know daily wear के लिए भी हो सकते हैं and some are for Rakhi. So जैसे कि Rakhi आने वाली है तो specially मैंने इस तरह के outfits रखे हैं video में और मैं पहले से show कर रही हूँ ताकि आपको जो भी buy करना है Rakhi के लिए आप buy कर सकते हो. Even this you know video will be helpful. And today is fashion day और इसलिए मैंने सोचा कि Amazon से मुझे create करना चाहिए video क्योंकि Amazon पर भी मेगा फैशन डे सेल चल रही है एंड दिस सेल इज गिविंग यू ह्यूज डिस्काउंट. सो डेफिनेटली आपको ज़रूर शॉप करना चाहिए इस पीरियड में, जाकर ज़रूर चेक करें. मैंने जो भी आउटफिट्स दिखाए हैं इस वीडियो में सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, सो गो एंड चेक. माई हॉल स्टोर का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है और सारे यू नो सेपरेट लिंक्स भी है और एक सिंगल लिंक भी है, तो आप चेक कर सकते हो. इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू ऑल टू शॉप. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट जो आउटफिट है उसके पहले प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बगल के नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना. इट इज़ फ्री, सो प्लीज़ डू इट. आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलेगी, आप सबसे पहले वीडियो देख सकोगे अगर आपको बाय करना है तो. राइट, तो कर लेना. वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो डू इट. सो अब स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट जो आउटफिट है जो आपने थंबनेल पर देखा है, ऑब्वियसली यू आर लविंग द स्टाइल्स अ लॉट. मैंने इसे जो है पहले रेड एंड ब्लैक आउटफिट से स्टार्ट किया था एंड यू पीपल हैव जस्ट यू नो bought it on such a way कि वो पूरा out of stock हो गया and literally उसको in stock होने के लिए फिर से बहुत time लग गया था. But I thought to even you know try this outfit क्योंकि मुझे इसका combination भी काफ़ी अच्छा लगा. So this is in grey and yellow combination which really looks good. एक decent combination, मतलब एक decent color और एक bright color, इस तरह कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है. सो आई थॉट टू ग्रैब दिस एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल गोस्ट्री की एज यू नो, और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है. सो दिस इज़ द कुर्ता. इसका जो मटेरियल है ना, इट इज़ ऑब्वियसली रेयॉन, बट बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है, गुड टू कैरी फॉर द होल डे. आप इसे आराम से पूरे दिन के लिए कैरी कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिसकम्फर्ट के. एंड सच अ फ्लोई फैब्रिक, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. और इस पर ना आप देख रहे हो किस तरह का प्रिंट किया गया है. सो आई लव द प्रिंट. ओके, और साइड से साइड कट प्रोवाइडेड है. फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस प्रिंट. और स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. आप अपने ट्रायल देख सकते हो, मैंने इनर नहीं पहना है. ओके, और काफ़ी ब्रीदेबल फैब्रिक है, लाइट वेट मटेरियल है. इसके साथ जो बॉटम है इट इज़ इन येलो कलर. सो लुक एट द कॉम्बिनेशन, वन इज़ डिसेंट वेरी यू नो सटल शेड और एक थोड़ा ब्राइट है. सो काफ़ी अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन एंड ब्राइट येलो कलर है. ओके, सो लुक एट दिस. और इलास्टिक प्रोवाइडेड है, पॉकेट भी प्रोवाइडेड है, और विथ जो है इतनी है पैंट की. एंड दिस इज़ ऑल्सो इन रेयॉन मटेरियल, सॉफ्ट सा कॉटन मटेरियल है, बट गुड टू वेयर फॉर द होल डे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा. इसके साथ जो दुपट्टा प्रोवाइडेड है, दिस इज़ इन कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड ग्रे. सो पूरी तरह से जब आप पहनते हो ये आउटफिट तो काफ़ी यू नो अच्छा लगता है इसका लुक. सो इसका जो दुपट्टा है ना, दिस इज़ इन कोटा डोरिया फैब्रिक, इन केस यू आर अवेयर कि ये फैब्रिक कैसा होता है. आई विल जस्ट गिव यू अ क्लोज लुक. सो इस तरह से होता है ये फैब्रिक. ओके, और प्रिंट आप देख सकते हो पूरे दुपट्टे पर. सो इस तरह से लहरिया प्रिंट किया गया है और कॉम्बिनेशन दोनों शेड्स यूज़ किए गए हैं. सो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आता है. यू कैन सी द ट्रायल, सो गेट दिस फॉर योर सेल्फ इन केस यू आर लाइकिंग इट. बिल्कुल भी मिस मत करना. सो सेकेंड जो आउटफिट है, दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर राखी इन केस आपको ग्रीन कलर पहनना पसंद है, स्पेशली पैरट ग्रीन कलर. सो ये वाला कुर्ता आप ज़रूर यू नो अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं क्योंकि पैरट ग्रीन कलर अपने आप में ही पहनने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरे पास पैरट ग्रीन कलर की आउटफिट्स है एंड व्हेन आई वेयर देम ऑब्वियसली पीपल टर्न द हेड एंड अगेन सी माई आउटफिट. ये होता है मेरे साथ, तो इसलिए दिस कलर इज़ ब्यूटिफुल और इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगता है. सो कुछ इस तरह से है. नाउ ब्रांड नेम इज़ आयना एंड साइज इज़ स्मॉल. वेबसाइट से ज़्यादा, वेबसाइट पे जिस तरह से पिक्चर है ना, उससे भी ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है ये रियल में. सो जो आपको कलर दिख रहा है ना पैट ग्रीन स्क्रीन पर, वैसा ही कलर आपको रिसीव होगा. और कॉटन मटेरियल है,
इस पर ना इस तरह से गोल्डन और सिल्वर थ्रेड से ना वर्क किया गया है, ओके और यहाँ पर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है। सो बहुत ही सटल सा वर्क है इस पर, और ए लाइन कुर्ता है, थोड़े क्रीसेस है क्योंकि मटेरियल ही ऐसा है। सो जस्ट यू हैव टू आयरन इट वेल, और इस तरह से है, लुक एट दिस, ए लाइन कुर्ता है और इनर भी प्रोवाइडेड है। थैंकफुली इनर कॉटन मटेरियल में है, तो आप देख रहे हो क्रीसेस कितने इस पर, क्योंकि ये कॉटन है, प्योर कॉटन, सो बिल्कुल भी चुभेगा नहीं और काफ़ी यू नो कंफर्टेबल होगा पहनने के बाद। और नेक एरिया पर भी पूरी तरह से कॉटन मटेरियल इनर प्रोवाइडेड है। 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, यहाँ पर इनर नहीं है, सो दिस विल बी ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली इट शुड बी टू गिव अ नाइस लुक, और गोल्डन लेस अटैच्ड है यहाँ पर, एंड फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस लुक, ओके सो गुड। पेयर दिस विथ गोल्डन बॉटम्स या फिर वाइट बॉटम्स भी चल जाएगा, बट इन केस यू वॉन्ट दैट यू नो ओकेजन वाला वाइब, तो आप गोल्डन बॉटम के साथ पेयर अप करना, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सो यस, और नेक्स्ट जो आउटफिट है ये है पिंक कलर का आउटफिट, सो दिस इज़ इन कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक, शेड्स ऑफ पिंक और वाइट, ठीक है। सो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप यहाँ पर ट्रायल भी देख सकते हो। और साइज़ मैंने इसमें मीडियम पिक किया, कि मीडियम से ही स्टार्ट होता है, दिस इज़ नॉट हैविंग एनी ब्रांड, यहाँ कोई ब्रांड नेम नहीं है, बट द क्वालिटी इज़ गुड, बहुत ही सुंदर क्वालिटी आई है, प्योर कॉटन है और इस तरह का ये कुर्ता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन फॉर राखी, क्योंकि बहुत लोग इस तरह के शेड्स पहनना पसंद करते हैं राखी में, और जिसमें काम कम हो लेकिन दिखने में सुंदर दिखे, सो दिस इज़ द आउटफिट कैन पिक फॉर योरसेल्फ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो यू कैन सी राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड, और यहाँ पर ना पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी है वाइट एंड पिंक शेड में, सीक्वेंस का भी वर्क है, सो जस्ट गिविंग यू अ क्लोज लुक, ओके। एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी है, और ये जो प्रिंट है ना, आप देख रहे हो इस तरह से लहरिया प्रिंट किया गया है, थोड़ा सा फ्लेयर लुक है, साइड कट तो दिया ही है, ओके और फ्लेयर लुक है, और साइड और पीछे से ना आपको सेम प्रिंट मिल जाएगा फ्रॉम बैक साइड। इसे जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है ना, नायरा कट, ठीक है, सो इस तरह का कट है जो कि काफ़ी ऊपर से होता है, लॉन्ग कट होता है ये, सो यहाँ पर लेस भी अटैच्ड है, आप देख रहे हो कि दिखने में कितना प्यारा लग रहा है ये आउटफिट, एंड लिटरली यू शुड ट्राई दिस, प्योर कॉटन है। सो बॉटम जो है इसके साथ कुछ इस तरह का है, ये भी प्रिंटेड है बट इसका प्रिंट डिफरेंट है, सो कॉटन, प्योर कॉटन मटेरियल, एंड इट इज़ हैविंग टाई अप, ओके और बहुत ही प्यारा मटेरियल है, और इस पर ना फ्लोरल प्रिंट किया गया है इस तरह से, और पैंट की विड्थ आप देख सकते हो इतनी है, ओके सो गुड। इवन इलास्टिक इज़ प्रोवाइडेड, पॉकेट प्रोवाइडेड नहीं है, दिस इज़ एन ए लाइन कुर्ता, नॉट ए लाइन कुर्ता, कट दिया हुआ है लेकिन इस पर पॉकेट प्रोवाइडेड नहीं है, एंड दुपट्टा इज़ अगेन इन कॉटन मटेरियल, हैविंग बोथ द प्रिंट्स, सो दुपट्टे की लेंथ काफ़ी अच्छी है यार, मतलब आप इसे फैलाकर भी ले सकते हो, जिस तरह से आपको स्टाइल करना है आप कर सकते हो, इट विल लुक गॉर्जियस। सो कॉम्बिनेशन जो है ना पिंक एंड वाइट अपने आप में बहुत सुंदर है, सो इवन फॉर राखी, इन केस यू वांट टू ट्राई सच आउटफिट, यू कैन ट्राई, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल रहा है अभी, क्योंकि फैशन डे सेल चल रहा है तो इसलिए। सो नेक्स्ट जो आउटफिट है, दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस आउटफिट, सो ओके सो दिस इज़ कुर्ता, इसके साथ आपको बॉटम भी मिल जाएगा और दुपट्टा भी, सो दिस इज़ इन ऑर्गेन्जा मटेरियल, मटेरियल को टच करते मैं समझ गई कि ये ऑर्गेन्जा मटेरियल है, और ब्रांड नेम इज़ गोश्री की, ओके लुक एट दिस, ये एक्चुअली मल्टी कलर्ड कुर्ता है, सो इसमें सारे कलर्स आपको दिख जाएंगे, येलो, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, सारे शेड्स हैं इसमें, रेड, सो ये बहुत ही यू नो मल्टी कलर्ड आपको ये आउटफिट मिलेगा, सो अगर आपको इस तरह के आउटफिट पहनना पसंद है, डेफिनेटली कैन बाय दिस। साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है, कैन चूज़ योर ओन साइज़, इट इज़ ट्रू टू साइज़, और 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है, ये ट्रांसपेरेंट मिल जाएंगे आपको स्लीव्स, ओके और यहाँ पर इस तरह से गोल्डन लेस अटैच्ड है, और
ये अनारकली कुर्ता है, ओके, फ्लेयर बहुत ज़्यादा है इसमें और इनर प्रोवाइडेड है। इट इज़ इन पॉलिएस्टर मटेरियल, पिंक कलर का इनर आपको मिल जाएगा इसमें एंड बैक साइड से भी आपको सेम इस तरह से लुक मिलेगा। बहुत ही फ्लेयर्ड इसका लुक है। इसके साथ जो बॉटम प्रोवाइडेड है, नाउ दिस इज़ इन कॉटन मटेरियल, कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स है। इलास्टिक इज़ प्रोवाइडेड एंड दिस इज़ हैविंग पॉकेट आई गेस, येस इट इज़ हैविंग पॉकेट, ओके येस इट इज़ हैविंग पॉकेट लुक, ओके। सो इस तरह से पॉकेट दिया हुआ है, इवन विथ जो है इतनी है, सो दिस इज़ अ पैंट। और इसके साथ जो दुपट्टा है, दिस इज़ अगेन मल्टी कलर्ड। सो कुर्ता और दुपट्टा इस तरह से मल्टी कलर दिया है, फैब्रिक भी सेम है। वाओ, आप सोचो आप इस तरह का दुपट्टा अगर पूरे वाइट आउटफिट पर लोगे तो कितना सुंदर लगेगा। सो अगर मैं आउटफिट रखूँगी भी तो आई गेस मैं दुपट्टे के लिए रखूँगी, क्योंकि मतलब होता ना कि आप वाइट पहन रहे हो पूरी तरह से और उस पर आप कलरफुल दुपट्टा ले रहे हो, ये लुक भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो दिस इज़ रियली नाइस। ऑर्गेन्जा मटेरियल है, सो ट्रांसपेरेंट है, इसमें इस तरह से गोल्डन लेस भी अटैच्ड है एंड काफ़ी सॉफ्ट सा मटेरियल है। लेकिन सी मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से और ये फोल्ड हो जा रहा है। सो दिस इज़ सॉफ्ट मटेरियल, सो मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस यू आर लाइकिंग दिस आउटफिट, डेफिनेटली पिक इट, ओके। सो नेक्स्ट जो आउटफिट है, दिस इज़ अ प्लेन कुर्ता सेट। मैंने सोचा कि मैं ना हमेशा प्रिंटेड तो दिखाती हूँ बट एक प्लेन आउटफिट भी मुझे शो करना चाहिए। कभी कभी किसी किसी को प्लेन पहनना भी पसंद होता है, सॉलिड कलर उसमें कोई भी वर्क नहीं हो, ओके। सो दिस इज़ एन ऑप्शन। ब्रांड नेम इज़ फियोरा एंड इसमें मैंने स्मॉल साइज़ पिक किया हुआ है एंड कलर इज़ मरून। सो कुछ इस तरह का है, इट इज़ गुड ओवरऑल, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब प्लेन सॉलिड कलर्स भी ना अपने आप में बहुत अच्छे दिखते हैं, सो इवन यू कैन पिक दिस वन। सो फॉर ऑफिस ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, ओके। सो स्लीवलेस है और ए लाइन कुर्ता है इस तरह से, ओके। और नेक आप देख सकते हो, आप ट्रायल में देख लेना किस तरह से दिख रहा है। ये एक्चुअली स्लीवलेस है तो इसमें स्लीव्स प्रोवाइडेड नहीं है, सो दोज़ आर कंफर्टेबल वेयरिंग स्लीवलेस दे कैन डेफिनेटली पिक दिस वन। और इसका जो मटेरियल है ना, ये रेयन है और बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। इसके साथ जो बॉटम है, सेम फैब्रिक सेम शेड में मिल जाएगा आपको और इस तरह से है। इसमें इलास्टिक प्रोवाइडेड है एंड पॉकेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, बट दिस इज़ अ पैंट, विथ भी आप देख सकते हो इतनी है। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर इन केस आपको प्लेन आउटफिट्स पहनना पसंद है। अगर आप चाहते हो कि दुपट्टा आप कैरी करो इसके साथ, तो आप कोई कॉन्ट्रास्ट कलर पिक कर सकते हो या फिर कोई डार्क शेड जो अगर आपको और डिसेंट लुक चाहिए, ओके। सो गेट इट फॉर योरसेल्फ। सो नेक्स्ट जो है, सो दिस इज़ अ श्रग। सो मैंने ना, मुझे ना श्रग्स कैरी का मतलब श्रग्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ग्रे कलर का श्रग मेरे पास होना चाहिए, बिकॉज मेरे पास ब्लैक है और वाइट भी है बट मेरे पास ग्रे नहीं है। सो आई थॉट लेट्स पिक दिस एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड मैक्स, ओके। सो साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है, सो इस तरह का ग्रे श्रग है ये। सो इवन यू गो फॉर हॉलीडेज़ या फिर अगर आप कोई शॉर्ट ड्रेस भी पहन रहे हो जो कि स्लीवलेस है, आपको और कंफर्ट चाहिए, तो आप उस पर इस तरह का श्रग ले सकते हो जिससे काफ़ी डिसेंट लुक आएगा। इसमें ना फुल स्लीव्स मिल जाएंगे आपको और यहाँ पर ना इस तरह से पॉकेट भी है, ओके। सो दोनों साइड से पॉकेट है एंड दिस फैब्रिक इज़ प्योर कॉटन, ओके। लाइट ग्रे कलर है और लुक आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रायल में, इट लुक्स गुड। सो इन केस आपको ये बाय करना है, मेक श्योर कि आप डेफिनेटली बाय करें, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो इसलिए। और दोनों पॉकेट्स भी है तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आया कि कुछ अगर आपको कैरी भी करना है, मतलब कीज़ या फिर जैसे भी, तो आप रख सकते हो एंड इट इज़ गुड टू गो। आई मीन ये फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, किसी भी वेदर में आप इसे पहन सकते हो। इसके बाद जो है, अगेन आई बॉट अ टॉप फ्रॉम ब्रांड कॉल मैक्स। सो मैक्स मैंने ये मीडियम साइज़ बाय किया था बिकॉज थोड़ा सा मुझे लूज़ फिट चाहिए था। सो ये इस तरह का पिंक बेसिक सा टॉप है जो कि डेनिम के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा पहनने में। सो लुक एट दिस, मैंने इसमें आपको ना पहले ग्रे कलर भी दिखाया, इनके सबको याद होगा तो, बट इवन पिंक लुक्स गुड। अगर आप मैक
मैक्स के स्टोर में चले जाओगे तो आपको इस तरह का इस तरह के टॉप्स आपको दिख जाएंगे, बट ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ज़रूर ऑनलाइन बाय करें, ये प्रॉब्लम नहीं होती, आपको घर बैठे बैठे चीज़ें मिल जाती है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। सो राउंड नेक है और इस तरह से शॉर्ट स्लीव्स है, यहाँ पर वुड प्लास्टिक बटन है, बट बहुत ही डिसेंट लुक है इसका। ओके, प्लेन सा है इसका जो फैब्रिक है ना, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस फैब्रिक, बट बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है। लुक एट दिस, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है इसमें ना, थ्रेड आप देख रहे हो वाइट एंड पिंक थ्रेड से जो है ना वोवन है ये पूरे टॉप में। सो डिफरेंट शेड्स दिखते हैं आपको, पिंक के और वाइट भी, सो इट लुक्स गुड। ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, बट इन केस यू वांट टू लुक कंफर्टेबल, डेफिनेटली आप वाइट इनर पहन सकते हो। मैं वाइट इनर के साथ ही पहनती हूँ और मैंने इसे 2-3 बार पहना भी है, मैंने वॉश नहीं किया है इसे अब तक, लेकिन इसके साथ मैंने पहले जो ग्रे दिखाया था मैंने उसे मल्टीपल टाइम्स वॉश किया है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है। सो इनकेस आपको बाय करना है तो आपको सारा सोचना नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि जो मैंने गिव अवे रन किया था चैनल पर, जो मैंने पहले ही दिया है और ज़ूक का भी पेंडिंग है, तो उसका रिज़ल्ट मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूँगी। इवन ज़ूक टीम से मेरी बात हो चुकी है फाइनली, तो जो भी है फाइनल हो जाएगा इन नेक्स्ट 1 वीक। ओके, तो वो आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे और नया गिव अवे भी जल्दी आएगा चैनल पर। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर आप कर लो। अभी जो नया चैनल है उसकी भी जो है ना चीज़ें चल रही है, उस पर भी कॉन्टेंट आने वाला है, रीसेलिंग वीडियोस भी आने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और इवन आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर ऑन YouTube नाउ, क्योंकि उसकी प्लानिंग कर रही हूँ, अकेले पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू। सो डेफिनेटली आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर सच कॉन्टेंट। एंड सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।